हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताएंगे पपीते के पत्ते के रस के बारे में। गर्मियों के मौसम में लोगों को पपीते का सेवन करना बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो पपीता खाना हर मौसम में अच्छा होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इस मौसम में ये सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ पपीता ही नहीं, इसके पत्ते भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसके चमत्कारी गुण सिर्फ आपको गर्मी से राहत ही नहीं देते, बल्कि आपको कई गंभीर बीमारियों से भी दूर रखते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर अब हम बताते हैं आपको, यदि आपको भूख नहीं लगती जिसके कारण आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हैं, तो ये रस आपकी इस समस्या का समाधान कर सकता है। इसके लिए आप पपीते के पत्ते के रस की चाय बनाकर पिए, कुछ ही दिनों में आपकी खोई हुई भूख वापस आ जाएगी। अगर आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी है तो ये रस आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। इस रस को रोज़ाना पीने से कुछ ही दिनों में ब्लड में प्लेटलेट्स बढ़ने लग जाते हैं। अक्सर महिलाओं को पीरियड्स में होने वाले दर्द से जूझना पड़ता है। पपीते के पत्तियों का काढ़ा इस दर्द से निजात दिलाने में बहुत ही कारगर है। इस काढ़े को बनाने के लिए पपीते की पत्ती को इमली, नमक और पानी में मिक्स करके उबाल लें और फिर ठंडा करके पिए, इससे जल्द ही आराम मिल जाएगा। अगर आपको पिंपल्स की समस्या है और आप दवा के साथ साथ बाकी घरेलू उपचार करके थक चुके हैं, तो पपीते की पत्तियों को आप ले लीजिए, सूखी पत्तियों को आप ले लीजिए और उसे मिक्सर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसे का पेस्ट बना लीजिए और फिर उसे अपने पिंपल्स पर लगा लीजिए, और जब वो सूख जाए तब उसे आप ठंडे पानी से धो लीजिए। कुछ ही दिनों में आपके पिंपल्स गायब हो जाएंगे। पपीते की पत्तियां सबसे गंभीर बीमारी में से माने जाने वाली बीमारी जैसे कि कैंसर से भी बचाव करने में मदद करती हैं। यह ना सिर्फ बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं बल्कि कैंसर से ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, लंग कैंसर को भी रोकने में मदद करती हैं। पपीते की पत्तियां डेंगू से लड़ने में बहुत ही लाभकारी मानी जाती हैं। यह ना सिर्फ डेंगू से लड़ता है बल्कि ब्लड में तेज़ी से गिर रहे प्लेटलेट्स को भी फिर से बढ़ाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह रस खून के थक्के बनने से भी रोकता है और लीवर को भी डैमेज होने से बचाता है। तो पपीते के पत्ते के रस से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये रही आज की जानकारी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।